श्री राम जय राम जय जय राम 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 अज मन श्री राधे हरि बोल मन श्री राधे हरि बोल मन श्री राधे अज 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 मन श्री राधे क्या परिणाम उत्तरकांड का पायो परम विश्राम। ये शब्द तो मैंने मानसरोवर की कथा में कह दिया था। जब मानसरोवर की कथा हुई तो पूछा कि क्या अभिप्राय है, क्या प्रतिक्रिया है। मैंने कहा कुछ नहीं, पायो परम विश्राम परिणाम है, आनंद बहुत। मैंने कल भी कहा फिर दौड़, 600 कथा तो हो गई, ठीक है भाई हो रही है, लेकिन आनंद बोवाई, गिरनार चढ़वा मजा बोवाई, एक एक सोपान चढ़ने, बाकी 600 के वो हमें बता एम के 700 में क्या रहते थे, हमें भाई 700 में केटला केटला कितनी साल हुई, 14 साल से बोलना शुरू किया, व्हेन आई वाज 40 ब्रिटेन मेरी भाषा समझे इसलिए मैं बोल रहा हूँ। 14 साल से पहली कथा की, पहली कथा मैंने, मैं जो सबको कहता हूँ जहाँ मैं बैठता हूँ कैलाश में, वहाँ पहली कथा नहीं की, वहाँ मुझे सबसे पहले श्रोता मिले। पहली कथा तो राम जी मंदिर में की, एक महीने तक सबसे पहली कथा 14 साल की उम्र में मैंने की। रात को मेरे तलका जड़ा के भाई बहन रात को सुने, सावन महीने में सुने, बरसात पड़े चूहा ऊपर थी वर्षे, एक महीने श्रोता पहले मेरे दो वहां थे जहां मैं अब बैठता हूँ, वो दो श्रोता श्याम जी मेपा अने सुखा राम। अरे छेले दिवसे ना परिवार में थी एक एक सभ्य नी पास आरती उतरा हुई से दो को मना श्याम जी मेपा भाई वो हमारे उसी तरह रहते थे सुखा राम उनके पुत्र परिवार जो, वो मेरी कथा सुन, वहाँ मैं स्वाध्याय करता था, क्या था कि दादाजी ने सिखाया, फिर वहाँ गांव के बाहर वो पीने का एक प्याव लगता था, उसे भादरोड का रास्ता, उसे रातुल का रास्ता, उधर महुआ का रास्ता, उधर तलगा जड़ा का रास्ता, चौराहे पर एक पीने का प्याव लगता था, वहाँ घास फूस की झोंपड़ी दो मटके रख दिया, तो वहाँ कोई ज़्यादा न हो और जो आए वो भी पानी पी कर चला जाए, ऐसा स्थान था, तो वो मुझे एकांत पर ही लगता था, तो वहाँ वो दो मेरी कथा सुनते, क्या करते हो, वो तो गुजराती में बोलता लेकिन मैं हिंदी, क्या करते हो, क्या पढ़ता हूँ, बोले अर्थ समझाओ, तो फिर उनके सामने वो मेरी बात सुनते थे, वो भी तब तक सुनते थे उनकी भैंस इधर उधर न चली जाए तब तक, तो सुनने थोड़े आए थे, भैंस उधर गई तो मुझे छोड़कर भैंस के पास, भैंस ठीक तो फिर मेरे पास, भैंस के आगे भागवत कहावत ठीक हो रही थी बात, तो बहुत अच्छा वो मेरे मुझे शक्लो सूरत दिखाई देती है ना, हाँ मैं उसको याद करूँ तो मुझे वो बंडी वो उनके कपड़े सब दिखाई देते, बड़ी मस्ती से लाकड़ी लेन सुनता था अपने में, लगे भूल पड़े तो क्या तो आनंद बहुत आया और कुछ नहीं, बस कथा में पायो पर विश्राम प्रभु नाही कहूँ नाही कहूँ ना।
परिणाम क्या है शास्त्र की यात्रा का? आदमी को विश्राम मिले। और किसी ने कहा था ना कि खबर नहीं क्या स्थिति है दुनिया की कि आदमी सुखी होने के लिए दुखी हो रहा है। सुई जवा मैट जागे ऐसी स्थिति है। कोई भी कार्य का परिणाम तब है जब विश्राम प्राप्त हो, और तुलसी उसको परम विश्राम कहते हैं। पायो परम विश्राम। प्रणाम। जय सियाराम। पूज्य बापू का अमृत वर्ष शुरू हो गया है। क्यों न हम बापू की जुबानी से कहे गए बापू की जीवनी के प्रसंगों को ही प्रति शुक्रवार सुनना और देखना पसंद करें। बापू की जीवनी, बापू की जुबानी, इस शीर्षक के आधार पर हम प्रति शुक्रवार एक वीडियो श्रेणी पेश करेंगे। हमें आशा है कि बापू के अमृत वर्ष के दरमियान हम पूज्य बापू के जीवन के हर एक पहलू के बारे में खुद बापू की वाणी में सुन सकेंगे। हम पूरे आदर के साथ पूज्य बापू को सादर प्रणाम करते हैं और सौजन्यशील चित्रकूट धाम ट्रस्ट और संगीत की दुनिया का अहोभाव व्यक्त करते हैं। सबको जय सियाराम कहें और हम सब प्रार्थना करें अमृत वर्ष प्रिय हो। प्रणाम। जय सियाराम।